नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है तरुण, मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर, फिटनेस एक्सपर्ट और साथ के साथ डाइटिशियन भी हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत अलग है और वो बहुत ज्यादा फैल रहा है लेडीज के अंदर, उसको हम कहते हैं थायराइड। ज्यादातर हमने देखा है कि औरतों को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन असल में दोस्तों थायराइड होता क्या है? असल में ये हमारे गले की ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। जब ये जरूरत से ज्यादा हार्मोन यानी थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने लग जाती है या फिर कम करने लग जाती है तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर आदमी या तो मोटा होएगा या पतला होएगा। तो अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? ज्यादातर ये कब होती है? जब उनकी जब डिलीवरी होती है, शादी होने के बाद उनकी जब डिलीवरी होती है तो उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो जाते। तो दोस्तों, हमें इससे बचना कैसे है? अगर ये हो भी गया तो हमें इसको लेवल पे कैसे लाना है दवाइयों से बचते हुए? तो आज की वीडियो हम चालू करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मैं चाहूंगा प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतों को ये पता लग सके, लोगों को भी पता लग सके कि किस तरीके से हम थायराइड से दूर हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, रोज सुबह उठ करके आपने अपने गले की यहाँ पे मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होएगा कि यहाँ पे सेंसेशन बढ़ेगी। सेंसेशन बढ़ेगी तो आपकी बॉडी खुद ब खुद वहां पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाएगी। ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन है जो कि आपको फ्रूट्स के थ्रू मिला है वो यहाँ पे जाकर के आपके हार्मोनल ग्लैंड्स को अच्छे हार्मोन्स बनाने की डाइट देगा। जब अच्छे हार्मोन्स बनेंगे तो आपका जो थायरोक्सिन है वो सही तरीके से जितना अमाउंट बॉडी को चाहिए वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, पतले हैं तो आप एक सही वेट में आ जाएंगे। लेकिन आपको करना कैसे है? आपको इस तरीके से मालिश करनी है, चाहे आप देसी घी से करें, चाहे आप गोले के तेल से करें, चाहे आप बादाम के तेल से करें, लेकिन यहाँ पे मालिश जरूर करें। दूसरा, आपने अपनी नाभि पे जरूर तेल लगाना है। नाभि पे तेल क्यों लगाना है? क्योंकि 72,000 नाड़ियों का गठन नाभि से होता है, जिससे कि आपकी नाड़ियां जो हैं, जो खुश्क हैं, वो नम होना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण वहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा। तीसरी चीज, आपने अपना रक्तचाप यहाँ पे और ज्यादा बढ़ाना है। सबसे पहली चीज तो आपने क्या करनी है कि आपने हेल्दी डाइट इनटेक करनी है। हेल्दी डाइट जो है आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, हार्मोन्स की प्रोडक्शन अच्छा शुरू करेगी। अब मेन जो प्राइमरी काम करती हैं इसमें आसन, मैं पहले आसन बताऊंगा उसके बाद प्राणायाम बताऊंगा। तो आसन जो है वो कौन से हैं? वह आसन जिसके अंदर आपका गला खिंच रहा है, आपके यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, वह आपके थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मदद करेगी। तो पहले आसन कौन सा है? सबसे पहला आसन, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन है, इसका नाम है भुजंग आसन, पूर्ण भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन। ठीक है, हम इसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक पूर्ण भुजंग आसन और एक अर्ध भुजंग आसन। आइए शुरू करते हैं। आपने सिंपल एक मैट बिछाना है, आपने इस पे लेट जाना है। लेटने के बाद आपके जो हाथ है वो छाती के लेवल पे होंगे। ठीक है, आपने अपने पांव को इस तरीके से रखना है और गहरा लंबा सांस लेते हुए आपने ऊपर जाना है। दोस्तों, आपका पेट भी खींचेगा, आपकी गर्दन भी खींचेगी और आपकी जो चिन है वो पूरी ऊपर खींची होनी चाहिए। वो जितना खींचेगी यहाँ पर खिंचाव पैदा होगा, जिससे कि आपकी भीतरी मांसपेशियां वहां पे रक्तचाप बढ़ जाएगा। और दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप भुजंग आसन में आएंगे तो आप गहरा लंबा सांस लेकर के ही आइएगा। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि जब जब आपका पेट खींचेगा गहरा लंबा सांस अंदर होना चाहिए ताकि आपको चक्कर ना आए। लेकिन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के बाद आप पुनः नीचे आ जाए, यानी कि 10 सेकंड हुए और आप नीचे आ गए, रेस्ट लिया, फिर से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया, गहरा लंबा सांस लिया और आप फिर से ऊपर। अब मैं आपको इसका फायदा बताता हूं। इसके अंदर जो प्राइमरी चीज है वो है आपका थायराइड, जो सेकेंडरी चीज है आपका पेट भी कम होएगा, और सबसे मेन चीज आपकी लोअर बैक बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है अर्धभुजंग आसन। अर्धभुजंग आसन के अंदर आपने क्या ध्यान देना है? गहरा लंबा सांस लेना है। लेकिन अगर आप कर सकते हो, अगर आप बिगनर हो तो आप गहरा लंबा सांस लीजिए और सांस छोड़िए भी, कोशिश करें सांस लेने और सांस छोड़ने की, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको चक्कर नहीं आएंगे, आप नीचे नहीं गिरोगे, नहीं तो नीचे गिरोगे तो आपकी नाक से खून आ सकता है, आपको लग सकती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गहरा लंबा सांस लेकर के कुछ सेकंड बाद ही नीचे आ जाए। अब बारी है अर्धभुजंग आसन की। अर्धभुजंग आसन कैसे करते हैं? इसकी टेक्निक ये है कि आपकी नाभि जमीन से लगी रहनी चाहिए, आपकी कोहनियां बाहर की तरफ होनी चाहिए और आपकी छाती हवा में और फेस ऊपर की तरफ। आइए करके देखते हैं। इसके अंदर ज्यादा जोर पड़ता है आपकी कोहनियां बाहर की तरफ, गहरा लंबा सांस लेंगे
और नाभि जितने भाग था, बस आपकी नाभि जमीन से लगी होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी थायराइड ग्लैंड पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन लोअर बैक पे भी पूरा असर आएगा। आपकी लोअर बैक भी अच्छी हो जाएगी, आपका पेट भी अच्छा हो जाएगा, यानी कि पाचन क्रिया भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं तीसरे, जो सबसे मेन है, उसको हम कहते हैं हलासन एवं सर्वांगासन। ठीक है, सर्वांगासन। सर्वांगासन में दोस्तों क्या होता है कि आपके पांव जो है वो सीधा ऊपर चले जाते हैं। आपने तब तक होल्ड करना है जब तक आपका रक्तचाप सर की तरफ ना बढ़ जाए। असल में हमारे जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो इस तरीके से हैं, ऊपर की तरफ हैं। जब हम पैर ऊपर कर लेते हैं तो रक्तचाप नीचे आता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है और हम थायरोक्सिन हार्मोन या बीटा सेल्स जो हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस कर पाते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। आप सिंपल लेटे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप सिंपल वॉल के साथ अपने पैरों को यूं लगा के कुछ देर के लिए ऐसे बैठ सकते हैं, और उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो धीरे धीरे आपके सिर की तरफ आएगा, जिससे आपके पैर नम होने शुरू हो जाएंगे और आपका सिर हल्का सा भारी होना शुरू हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। लेकिन फायदा किसको मिलेगा, आपको थायरोक्सिन निकलने में। तो दोस्तों करना कैसे है, गहरा लंबा सांस लिया और आपने अपने पांव को ऊपर की तरफ कर लिया। ठीक है, आपने ध्यान क्या देना है, जो आपका पांव होएगा वो आपके गले जितनी पास होएगा और आपका जो हिप होएगा वो इसी एंगल पे होएगा जैसे मैंने रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपने पूरा सीधा करना है, नहीं, आपका इस ये पोज होना चाहिए कि आपकी चिन जो है वो इस तरीके से ना लगी हो, बस इतना सा हो। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम सर्वांगासन। कुछ पल में मेरे पैर जो है हल्के हो जाएंगे। पैरों को फोल्ड किया और आप नीचे आ गए। नेक्स्ट है हलासन। हलासन के अंदर भी दोस्तों जोन जोन से मैं आसन बता रहा हूं उसके अंदर पूरी बॉडी कवर होती है, एब्डोमिनल भी कवर होता है, लेकिन प्राइमरी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके थायराइड ग्लैंड पे। आप लेटे, अपने पैरों को ऊपर किया, जब आप एडवांस पे पहुंच जाए तो आप अपने पांव को इस तरीके से नीचे ले जाए। पैरों को फोल्ड किया और फिर वापस। तो दोस्तों ये था सर्वांगासन और हलासन, जो कि थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। जिन लेडीज से नहीं हो पा रहा, जिन जेंट्स से नहीं हो पा रहा, वो सिंपल अपने पांव को दीवार पे लगाए और कुछ देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जब तक पैर नम नहीं हो जाते तब तक होल्ड रखे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे हल आसन नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आप किसी की मदद ले सकते हैं और अपने पैरों को हल्का सा पीछे खींच सकते हैं बेड पे, किसी भी गद्देदार जगह पे जहां पे आप गिर ना सको। तो दोस्तों अब है सबसे मेन आसन, सबसे जरूरी आसन, उसको हम कहते हैं सिंह आसन या सिंह गर्जन, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, आप इस प्रकार बैठेंगे, सिंपल गहरा लंबा सांस लेंगे, हाथों को आगे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आपने आवाज निकालनी है, यानी कि अब जैसे मैंने दो बार किया है, मेरे को पूरा फील हो रहा है कि मेरे यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीटियां सी चल रही है। जब ये पूरा हो जाए, पूरा करने के बाद आपने रब किया और इस तरीके से मालिश कर ली। दोस्तों ये जो आप हाथ रब करोगे, ये इतना रब करोगे कि हाथों के अंदर ऊष्मा पैदा हो, हीट पैदा हो, जिससे आपको यहाँ पे अच्छा लगे, यहाँ पे हीलिंग शुरू हो जाए। और दोस्तों आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे, 110% रिजल्ट मिलेंगे। अब करते हैं बात प्राणायाम की। ये तो हो गए आसन, आसन और प्राणायाम में बहुत फर्क है। अब करते हैं बात प्राणायाम की। प्राणायाम में क्या है कि दोस्तों आपने कुछ ऐसे प्राणायाम करने हैं जो कि आपकी थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छी हो। अब आपने क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, आपने गहरा लंबा सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इसको हम कहते हैं योगिक डीप ब्रीथिंग, यानी कि सिंपल ब्रीथ इन एंड आउट। ये किस लिए, जब भी हम प्राणायाम शुरू करेंगे, चाहे कोई सा भी बॉडी से रिलेटेड हो, कोई सा भी हमारी बॉडी में इश्यू हो, हम योगिक डीप ब्रीथिंग से ही शुरू करते हैं। क्यों, योगिक डीप ब्रीथिंग जो है उससे हमारी बॉडी के अंदर
ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा तो हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज अच्छे से रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम योगिक डीप ब्रीथिंग जरूर करते हैं। ये आपने कम से कम 100 बार करना है। आप 100 बार तो सोच के ही चले, सिंपल, यानी कि आपने 25 का या 20 के 10 सेट करने हैं। आपने सांस ली, आपने फील करना है जिस प्रकार बोतल के अंदर पानी भरा जाता है, जैसे कि आपने सांस भरी, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, आपकी नाभि, नाभि के निचले भाग तक आपको फील होना चाहिए, आपकी यूनरी मसल तक, गर्ल्स और बॉयज दोनों। और सांस छोड़ते समय पूरा सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। और इसको हम थोड़ा तेज कर देंगे तो ये भस्त्रिका क्रिया में हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो दोस्तों प्राणायाम, जो दूसरा प्राणायाम है वो ये है कि आपने सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, लेकिन एक घर्षण, यानी कि एक घर्षण को हम करेंगे हल्की सी वाइब्रेशन, आपने फील करनी है यहाँ पे सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय। किस प्रकार, हो सकता है मेरी आवाज ठीक से ना आ रही हो, लेकिन आप इस वक्त वीडियो देखते हुए इसको करें और फील करें, आपको वाइब्रेशन होगी, यहाँ ठंडक सी महसूस होगी और सांस बाहर छोड़ते समय आपको महसूस होगी वो वाइब्रेशन। जब आप 10 से 20 बार करोगे, ये भी आपने 100 का टारगेट लेके चलना है कि 100 बार आपने करना है 20 के 10 सेट, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा ऑक्सीजन इंटेक करें, अच्छे एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें और आपको थायराइड से छुटकारा मिल जाएगा। ये मेरी आंखों देखी, यानी कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये करवाया था और उनको 110% रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान बहुत दिया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसके कारण उनका थायराइड जो है वो ठीक हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो थी थायराइड की यहाँ तक। अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करें और मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें। अगर ये प्रॉब्लम आपको नहीं है तो भगवान ना करे आपको हो, लेकिन जिसको है वो इसका क्योर ढूंढ ले, उसको पता लग जाए और वो ठीक हो जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और जितना हो सके लाइक करें। और मेरा एक लिंक है नीचे की तरफ, आप जाकर के उस लिंक को प्रेस करें, सीधा फेसबुक में, ट्विटर पे या स्नैपचैट पे, आप जाकर के इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर के मेरी रॉ वीडियोस को देख सकते हो, जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं नई नई टेक्निक्स दिखा रहा हूं और आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। आज की वीडियो यहां तक थी, बहुत बहुत धन्यवाद, डिसमिस, थैंक यू।